नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस समय आप पढ़ रहे हैं वर्ड पावर की पॉपुलर सीरीज, और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 55 नंबर है आज का। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नोट करिए फटाफट। पहला वर्ड ऑब्लिवियन, ऑब्स्क्योर, ऑब्सिक्यूस, ऑब्टूस, ऑफिसस, ऑनरस, ओपिक, अपुलेंट, ऑर्थोडॉक्स और ऑस्टेंसिबल। और जैसा कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी भी रट्टा वाले वर्ड्स आपके काम नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, एटिमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा इन वर्ड को सीखना है। एटिमोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, हम आपको एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे, यानी वर्ड फॉर्मेशन सिखाते हैं। वर्ड को फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी कि इसमें होता क्या है, हमारा एक रूट वर्ड होता है, उसमें कुछ पहले जोड़ा जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, कुछ बाद में जोड़ा जाता है वो आपका सफिक्स कहलाता है। इस तरह से काम करेंगे। और जो सफिक्स होती है हमें ये बताएगी हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और अगर हमें रूट नहीं पता होगी तो उस वर्ड का निमोनिक बना करके, माइंड मैपिंग करके, मतलब एक स्टोरी बना करके उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करके हम वर्ड को लर्न करेंगे। तो ये सीखते हैं आपका पहला वर्ड ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस, टोटल फॉरगेटफुलनेस। टोटल फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भूलने की अवस्था, या कह सकते हैं स्टेट ऑफ, स्टेट STATE ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। एक ऐसी अवस्था जिसमें लगे कि आप सब कुछ फॉरगॉट कर चुके, भूल चुके हो, भुलक्कड़पन की अवस्था ऑब्लिवियन कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जैसे इफ यू आर ऑब्लिवियन इट मींस यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। अगर सपोज मैंने कल आपको कुछ पढ़ाया और मैं भूल जाऊं मैंने क्या पढ़ाया था, देन दिस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड ऑब्लिवियन, ये कहलाती है ऑब्लिवियन। और जो ऑब्लिवियन नाउन है इसका बन जाता है ऑब्लिवियस, यानी इफ आई फॉरगेट व्हाट आई हैव डन फ्यू मोमेंट्स बिफोर देन आई एम एन ऑब्लिवियस पर्सन, क्या कहलाऊंगा, ऑब्लिवियस। अगला है ऑब्स्क्योर। बच्चों ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अननोन, UNKNOW अननोन कहलाता है, या ऑब्स्क्योर होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब होता है समझने में कठिन, अननोन हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑब्स्क्योर कहलाता है। ऑब्स्क्योर एडजेक्टिव है, जैसे अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं पता है देन क्या कहलाएगा, ऑब्स्क्योर। जैसे मैथमेटिक्स इज ऑब्स्क्योर फॉर मी, कैसी है, ऑब्स्क्योर है, अननोन है, या हार्ड टू अंडरस्टैंड कहलाता है। और ऑब्स्क्योर का नाउन बन जाता है ऑब्स्क्योरिटी, जैसे राजू इज एन ऑब्स्क्योर पर्सन, कैसा है, ऑब्स्क्योर है मतलब अननोन है, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, तो ये कहलाता है ऑब्स्क्योर। ऑब्सिक्वियस, ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है, ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है फॉनिंग, FAWNING फॉनिंग। ये कहते हैं सबसर्वियंट, SUBSERVIENT सबसर्वियंट। ये कह सकते हैं सकिंग अप टू, SUCKING सकिंग अप टू। तो फॉनिंग, सबसर्वियंट, सकिंग अप टू कहलाता है ऑब्सिक्वियस। यानी ऑब्सिक्वियस वह इंसान होता है जो आपकी बहुत चापलूसी करता है, इसे हम फ्लैटरर भी कह सकते हैं। बनाया कैसे गया बच्चों, ऑब का मतलब होता आफ्टर सिक्वेंस फॉलो, फॉलो आफ्टर यू, जो आपके पीछे पीछे चलता रहता है वो ऑब्सिक्वियस कहलाता है। जैसे इफ यू आर ए बॉस एंड इफ यूर
असिस्टेंट फॉलो यू क्लोजली देन ही इज क्या कहलाएगा, एन ऑब्सिक्वियस असिस्टेंट कहलाता है। जैसे आई हैव मैनी ऑब्सिक्वियस फ्रेंड्स हु लेट नॉट नो मी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो ऑब्सिक्वियस दोस्त होते हैं, चापलूस होते हैं, वो मुझे नहीं जानने देंगे सही क्या है गलत क्या है। तो हम कैसे यूज करेंगे ऑब्सिक्वियस, ये हम ये भी कह सकते हैं प्लीज अवॉइड ऑब्सिक्वियस पीपल, हमें ऑब्सिक्वियस लोगों से अवॉइड करना है, बच के रहना है। अगला है ऑब्टूस। ऑब्टूस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, INSENSITIVE इनसेंसिटिव, या कह सकते हैं ब्लॉकहेड, BLOCKHEAD ब्लॉकहेड ऑब्टूस कहलाता है, इनसेंसिटिव या ब्लॉकहेड। जैसे इफ यू आर नॉट सेंसिटिव व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू देन यू आर ऑब्टूस। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है आपके आसपास क्या चल रहा है तो आप कैसे हो ऑब्टूस कहलाओगे। या कह सकते हैं ऑब्टूस, जैसे अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ बने और उसका पापा कहता है नहीं बेटा खेती करो, तो हम कह सकते हैं ही इज एन ऑब्टूस फादर। कैसा फादर है? ऑब्टूस कहलाता है, इनसेंसिटिव कहलाता है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि क्लास में उसको वोकैबुलरी पढ़ाई जा रही है और उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं ही इज एन ऑब्टूस चाइल्ड, ऑब्टूस स्टूडेंट होता है, ब्लॉक है, जिसका हेड ब्लॉक हो गया हो। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है अनवाइंडली ईगर, EAGER टू हेल्प और एडवाइस। अनवाइंडली ईगर टू हेल्प और एडवाइस, यानी वह इंसान जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करना चाहता है, सलाह करना चाहता है, वो कहलाता है ऑफिशियस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। द सेल्समैन आर ऑफिशियस। सेल्समैन कैसे होते हैं? ऑफिशियस होते हैं कि अगर कोई ऑफिशियस सेल्समैन आ जाएगा तो वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक अपनी चीज को बेच नहीं लेगा। कह सकते हैं एन ऑफिशियस सेल्समैन विल नॉट लीव यू अंटिल यू बाय दैट प्रोडक्ट। बच्चों ऑफिशियस और ऑब्सिक्वियस में थोड़ा सा फर्क ये होता है, वैसे दोनों से मीनिंग हो सकते हैं। ऑफिशियस होता है चापलूस, और ये होता है ऑफिशियस होता है जो आपकी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हो। अगला है ऑनरस। ऑनरस बच्चों, ऑनरस का मतलब होता है बर्डनसम, BURDENSOME बर्डनसम। ऑनरस में होता है बर्डनसम कहलाता है, या ऑपरेशन OPPRESSIVE बर्डनसम या ऑपरेसिव कहलाता है ऑनरस, बहुत ही कष्टकारक मुसीबत से भरा हुआ दुखदाई ऑनरस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे अगर आप बहुत परेशान हैं, इफ यू आर वेरी सैड वेरी ट्रबल्ड देन यू आर ऑनरस, आप कैसे ऑनरस हैं, परेशान दुखी है। या एन ऑनरस चाइल्ड विल नेवर बी एबल टू डू गुड इन हिज लाइफ। ऑनरस बच्चा, दुखी बच्चा, बोझिल बच्चा अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाता। बच्चों अगला वर्ड आपका ओपेक। ओपेक का मतलब होता है इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल टू सी थ्रू और अंडरस्टैंड। Impossible to see through या impossible to understand, जिस चीज को हम आर पार देख नहीं सकते हैं या जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ओपेक कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है, और ओपेक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट, और ओपेक का नाउन होता है ओपासिटी। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव एन ओपेक विंडो, मतलब आई हैव ए विंडो From which it is impossible to see through, यानी एक ऐसी खिड़की जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। और ओपेक impossible, जैसे ओपेक टॉपिक भी हो सकता है, जैसे yesterday my teacher taught me an opaque lesson, मतलब ऐसा लेसन था जिसको मैं समझ नहीं पाया, तो ओपेक लेसन भी कहलाता है। अगला है opulent। बच्चों opulent का मतलब होता है पैसे वाला, luxurious,
एल यू एक्स यू आर आई ओ यू एस लग्जूरियस कहलाता है या वेल्दी कहलाता है, डब्ल्यू ई ए एल टी एच वाई। लग्जूरियस, वेल्दी, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी अपुलेंट कहलाता है, और अपुलेंट का नाउन बन जाता है अपुलेंस, जैसे अपुलेंस वेल्थ बन जाता है, जैसे अपुलेंट, जैसे यू, इफ यू आर अपुलेंट देन यू एंजॉय अ लग्जूरियस लाइफ, आप एक लग्जूरियस लाइफ जीते हो, एक बहुत ही विलासता से भरा हुआ जीवन जीते हो। अगला वर्ड आपका है ऑर्थोडॉक्स। बच्चों ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल बनाया गया है, एक वर्ड होता है कॉन्वेंशनल मतलब परंपरागत, अन लगा दिया गया, सॉरी ऑर्थोडॉक्स होता है कॉन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स होता है अनकन्वेंशनल। तो कॉन्वेंशनल में जो पुरानी परंपराओं से जुड़ा रहता है, यह कह सकते हैं एथरिंग, ए डी एच ई आर आई जी, एथरिंग टू एस्टेब्लिश्ड, एस टी ए बी एल आई एस एच ई डी, एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, एथरिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल इन ए डॉक्टर इन वेंसन, जो पुराने नियमों से जुड़ा रहता है वो कहलाता है ऑर्थोडॉक्स। जैसे इफ आई एम एन ऑर्थोडॉक्स टीचर देन आई एम नॉट रेडी टू चेंज माय वे ऑफ टीचिंग, अगर मैं ऑर्थोडॉक्स टीचर हूं तो मैं पढ़ाने के तरीके को बदलना नहीं चाहता हूं, तो ऑर्थोडॉक्स होता है। और ऑर्थोडॉक्स का कोई अनऑर्थोडॉक्स और ये हो जाएगा अनकन्वेंशनल। अगला वर्ड आपका है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है बच्चों अपेरेंट, ए डबल पी ए आर ई एन टी, अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स होता है क्लियर, बट लेकिन ये क्लियर होता है कंफ्यूजिंग, क्लियर कंफ्यूजिंग रहता है, या कह सकते हैं प्रोफेस्ड, पी आर ओ एफ एफ ई, पी आर ओ एफ ई डबल एस ई डी प्रोफेस्ड, पी आर ओ एफ ई डबल एस ई डी प्रोफेस्ड। ऑस्टेंसिबल होता है अपेरेंट, प्रोफेस्ड, क्लियर। जैसे इसको यूज कैसे करेंगे, द प्लान ऑफ माय फ्रेंड वाज ऑस्टेंसिबल, द प्लान ऑफ माय फ्रेंड वाज ऑस्टेंसिबल दैट ही विल हेल्प मी बट ही डिड नॉट, मतलब उसका प्लान ऑस्टेंसिबल था कि हेल्प करेगा लेकिन नहीं की, तो वो ऐसा कहलाता है ऑस्टेंसिबल कहलाता है, यानी कि अपेरेंट लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये कह सकते हैं इट इज ऑस्टेंसिबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ये ऑस्टेंसिबल है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 वर्ड्स, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये 10 के 10 वर्ड, इनका मीनिंग, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनको यूज कैसे करेंगे वो सब आपको आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंचते रहें। आगे फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए 10 वर्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।